What's up guys, welcome back to the channel, welcome back to the another new vlog. I hope you guys are absolutely well. So आज डेट है 30th ऑफ अक्टूबर एंड टाइम हुआ है 10:00 ऑलमोस्ट 13 मिनट एंड मैं सबसे ज्यादा पसीना पसीना हो चुका हूँ. उसका रीजन है कि मैंने एसी पंखा सब कुछ बंद रखा हुआ है आप लोगों के साथ एक बात करने के लिए, एक छोटी सी स्टोरी टेलिंग के लिए. एंड आज के वीडियो का क्या मोटिव है, बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए एंड आई होप आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा ही स्पेशल रहे. सो आप लोगों को पता ही है कि आई एम अ राइडर एंड राइडर के लिए कुछ चीज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड उसमें से एक चीज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है फिटनेस. सो फिटनेस अभी अपने व्लॉग में क्यों आया वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सब कुछ आपके साथ इन डिटेल शेयर करने वाला हूँ. तो जल्दी से अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो बात है 2021 जनवरी 27th या 8th की. सो मैं एक अपनी राइड करने गया था 26th ऑफ जनवरी की विद द KTM एंड वो खत्म करके सक्सेसफुली हम लोग वापिस आ रहे थे. एवरीथिंग वॉज गोइंग स्मूथ. ऑन द 28th ऑफ जनवरी मैं घर से निकला था एंड मुझे जाना था अपने सिस्टर का ऑफिस जो मेरे घर से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर है, ज्यादा नहीं, 1 किलोमीटर भी नहीं है ऐसे देखने जाऊं तो. आने जाने का दोनों मिला के 1 किलोमीटर होता, ज्यादा नहीं होता है. सो मैं अपने गया था मैं सिस्टर को टिफिन देने के लिए एंड उस दिन मैं बदकिस्मती से लेके गया था मेरी एक्टिवा जिसका नाम मैंने धन्नो रखा हुआ है, अपने बगीरा का नाम, अपने व्हाइट वुल्फ सॉरी अपने ड्यूक टू फूटे का नाम रखा हुआ है द बगीरा. उसका पहला नाम था व्हाइट वुल्फ. वो क्यों है वो मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में बताया, तो आप लोग मेरे पुराने व्लॉग्स जाके देख सकते हो. बाकी ये बात कहां से आई तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किस वजह से किस लिए. सो 28th ऑफ जनवरी को आई हैव जस्ट गॉन फॉर लाइक मैं ऐसी बहन के यहाँ पर टिफिन देने गया था एंड वापिस आ रहा था. एट दैट टाइम आई मेट विथ अ स्मॉल एक्सीडेंट एज पर मी. मुझे ऐसा लग रहा था छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, आई विल गेट बैक सून एंड थोड़ी बहुत खरोचे थी. बट ऑन द 28th ऑफ जनवरी मैं वापिस आ रहा था घर पे, तभी ऐसा हुआ कि मेरे आगे एक अल्टो वाला चला रहा था एंड उसको आगे बम्प नहीं दिखा एंड आई वॉज अवेयर कि भाई आगे एक बम्प है. तो मैं स्लो चला रहा था, ऑलमोस्ट 40-45 की स्पीड थी, ज्यादा स्पीड नहीं थी. एंड उसी टाइम पे अल्टो वाले ने अचानक से उसने हैंड ब्रेक खींची एंड मैंने एक्टिवा में ब्रेक लगाई तो एक्टिवा में ड्यूअल चैनल एबीएस आता है तो उसकी वजह से एक्टिवा स्लिप हुई एंड मैं जाके घुस गया अल्टो में. अल्टो वाला रुका भी नहीं एंड उसको पता था उसकी गलती थी तो वो भाग गया एंड मैं वहीं पे पड़ा. सो एट दैट टाइम मुझे ऐसा लगा कि कुछ ज्यादा नहीं हुआ है. बट आफ्टर 3 डेज लाइक ऑन द 1st of Feb या फिर 31st of January को मैं ऐसे ही मेरे को पैर में ज्यादा दर्द कर रहा था. मेरे छोटा मोटा छिलन हुई थी बट आई वॉज वेरी मच अवेयर कि भाई इतना तो बैर करना पड़ेगा. बट मेरा पैर जो था मेरा लेफ्ट लेग उसके नी के नीचे आ गई थी थोड़ी सूजन. सो मैंने बिना टाइम वेस्ट किया मैं डॉक्टर को कंसल्ट करने चला गया एंड डॉक्टर से कंसल्ट किया तो लाइक ही सेड के एक्सरे करवा लो. एक्सरे करवाया तो आई गेट टू नो कि मुझे 1.5 इंच लंबा क्रैक हुआ है, माइनर थीन लाइन. लाइक आपको छोटी सी लाइक माइनर थीन लाइन दिखे उतना ही क्रैक था एंड उसी की वजह से मुझे लाइक बेड रेस्ट में जाना पड़ा. मुझे एक पट्टा दिया गया था जिसको मैं पहन के मैं काम कर सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ. आई वॉज वेरी गुड कि भाई मैं वो उतनी खराब कंडीशन नहीं थी मेरी एंड मैं अच्छा था तो मैं काम कर सकता था. सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट डूइंग अ जॉब. सो 1 महीना मैंने पूरा बेड रेस्ट किया. इन द मंथ ऑफ मार्च आई स्टार्टेड वर्किंग अगेन. सो मैंने March 1st को मैंने ज्वाइन किया, आई वॉज डूइंग वेरी वेल. सो इन द मंथ ऑफ जुलाई था एंड जुलाई में बारिश हो रही थी. मैं अपना ऑफिस से निकला एंड ऑफिस से निकलते वक्त ही मेरा एक एक्सीडेंट हुआ छोटा सा. एंड बाकी ये मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्यों. सो जब तक मेरा फर्स्ट टाइम एक्सीडेंट हुआ था तब मेरा वेट था 70 या 71 के बीच में कुछ था. आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट एग्जैक्ट वेट बट हाँ मेरा वेट उतना ही था क्योंकि
मैंने अपना फॉर्म फिलअप किया था जॉब का, तो उसमें मेरा 70 या 71 के बीच में वो कुछ लिखा था। उस 1 महीने 1.5 महीने में मेरा ऑलमोस्ट वेट गेन जो हुआ था वो हुआ था अप्रोक्सीमेटली 3.5 to 4 kg, 3.5 यस मैक्सिमम 3.5 4 kg के बीच में कुछ था। एंड मेरा वेट हो गया था 74 kg। एंड उसके बाद मैंने मार्च में वापस जॉब ज्वाइन की, तो मेरा अच्छा खासा चल रहा था, बट माई शेड्यूल वॉज नॉट गुड, मेरा ईटिंग हैबिट्स नहीं सही थी, बहुत सारी चीजें दूसरी थी, वो चीज की वजह से मेरा वेट जो था वो स्टेबल था, लाइक 74 या 75 के बीच में स्टेबल था, ज्यादा बड़ा भी नहीं कम भी नहीं हुआ। बट इन द मंथ ऑफ जुलाई और एल्स जून, जून और जुलाई के बीच का कुछ टाइम था, एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है, बट वो मैं आप लोगों को, मेरे पास कुछ प्रूफ रहेगा तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा। सो एट दैट टाइम मैं ऑफिस से निकला एंड बस किस्मती से बारिश ज्यादा थी एंड हवा भी ज्यादा चल रही थी, तो मेरे ऊपर गिरी एक पेड़ की डाली, एंड डाली गिरी तो जैसे तैसे नहीं गिरी, बहुत ही गंदी तरीके से गिरी थी एंड हैवी थी, तो हाथ पे गिरी, हैंडल छूटा एंड मेरे ऊपर डाली आके गिरी, तो मेरे लेफ्ट लेग में जहाँ पे क्रैक हुआ था वहीं पे वापिस मुझे क्रैक आया। एंड एट दिस टाइम जो क्रैक था वो 1.5 की जगह 2 इंच का हो गया था, लाइक 2 सेंटीमीटर जितना हो गया था, एंड इतना सा था शायद तक, कि आई कैन फ्रॉम माई फिंगर में इतना बोल सकते, इतना सा था, बट इस बार थोड़ा सा वाइड था, तो मुझे डॉक्टर ने बोला यू नीड टू हैव बेड रेस्ट फॉर 3 मंथ्स, एंड मैंने वो सक्सेसफुली 3 मंथ्स का बेड रेस्ट कंप्लीट किया, आई वॉज एबल टू वॉक अगेन एंड एवरीथिंग। सो मेरा तब वेट हुआ लाइक 78 kgs के अप्रोक्स, एंड क्योंकि तब मेरा हेल्दी खाना थोड़ा हेल्दी था, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था हेल्दी खाना है, इसके लिए मैं स्प्राउट्स और वो सब खा रहा था, तो मेरा वेट ज्यादा नहीं बढ़ा, मैं बेड पे था इसी की वजह से मेरा 2 से 3 किलो बढ़ा था, लाइक एट दैट टाइम माई 78 मेरा वेट हो गया था। एंड उसके बाद मेरे डैड का एक्सीडेंट हुआ, तो उसकी भागा भागी में हो गया था, तो मेरा वेट ऑलमोस्ट वापिस पहुंच गया 76। आफ्टर दैट मेरा बहुत ही अच्छी करियर चल रहा था, सब कुछ मेरा पिक पे था, एंड एट द सेम टाइम इन द मंथ ऑफ मार्च 26th मैं फ्रेंड्स को मिलके वापस आ रहा था, एंड उसी टाइम पे मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, एंड एक्सीडेंट इस बार मेजर वाला हुआ था, एंड मेरा जो राइट लेग था उसकी जो मेन बोन थी, उसके जो सपोर्टिव बोन थी, वो सपोर्टिव बोन का क्रैक हो गया था, एंड इट वॉज इन द 2 पार्ट्स, एंड आई गॉट अ मेजर फ्रैक्चर, मुझे पूरा पट्टा आ गया था फ्रॉम माई हियर टिल द लाइक पैर की जो उंगलियां होती है वहां तक मेरा बहुत ही लंबा पट्टा था, क्योंकि ऐसी जगह पे था जाके मुझे फुल लेग कवर रखना था, वैसी सब चीजें थी एंड वो चीज हुई। मेरा बेड रेस्ट था उस टाइम पे 3 मंथ्स का, बट मेरी रिकवरी थोड़ी जल्दी हुई क्योंकि मैंने खाना वाना अच्छा खाया था, बट मैं ऑब्वियसली बेड से उठ नहीं सकता था, कहीं जा नहीं सकता था, आई वॉज अनएबल टू बाथ, नहीं कुछ कर सकता था। एट दैट 3 मंथ्स वॉज वेरी मच क्रूशियल फॉर मी, एंड उसी की वजह से आई गेन ऑलमोस्ट 5.5 to 6 kgs, तो मेरा 82 मेरा वेट पहुंच चुका था, 82 83 पहुंच गया था, एंड दैट वॉज पिक ऑफ माई लाइफ की, भाई मेरा इतना ज्यादा वेट कभी मैंने इतना बैर नहीं किया। उसके बाद मैंने लाइक मेरा जब भी सब टाइम पीरियड खत्म हुआ इन द मंथ ऑफ जून जुलाई, सब ठीक था, मेरा बहुत अच्छे से चल रहा था, बट राइट नाउ एम एट अ स्टेज वेर आई एम टोटली अनफिट, मैं टोटली अनफिट हूँ, ना मैं राइडिंग कर सकता हूँ ठीक से, ना ही मैं काम कर सकता हूँ, माई थिंकिंग कैपेसिटी इज बिट लो, क्योंकि मेरा वेट बढ़ चुका है, मेरा माइंड बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है, मैं जब देखो तब अपना बैरी करता रहता हूँ, लाइक मेरा जो चेस्ट का जो साइड पार्ट है, चेस्ट है वो पूरे उछलते हैं लाइक गर्ल्स, एंड इवन मेरा जो बैक है यहाँ पे बैक में भी मुझे हद से ज्यादा लाइक वेट फील होता है मुझे, क्योंकि अब तक मैंने टिल द एज ऑफ 23 मेरा इतना हाई वेट कभी नहीं था, जो मेरा मैक्सिमम वेट है वो 70 था, एंड 13 kgs पुट ऑन करना वॉज नॉट अ गुड थिंग फॉर मी, एंड हार्मोनल चेंजेस एंड बहुत सारी चीजों की वजह से आपका वेट गेन हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है आफ्टर, मतलब 18 से 21 का एज पीरियड है कि आप लोगों का एज वेट सब बहुत होता है, बट वो मेरा आया थोड़ा लेट 21 के बाद, एंड आई
एंड अप विथ अ वेरी बैड शेट. एंड मेरा पूरा ये कंडीशन अभी कि अगर मैं कहीं पर भी जाऊं तो मेरा वेट दिखता है, मुझे लोग बहुत बार लाइक मुझे मुंह पे नहीं बोलते बट मेरे बैक में बोलते कि दिशांत मोटा हो चुका है, दिशांत इज लाइक प्रिटी अगली नाउ, उसका चबी फेस हो गया एंड वो. सो जब मेरा मार्च में एक्सीडेंट हुआ था एट दैट टाइम मुझे अपना लुक थोड़ा अच्छा करना था, सो आई एंड अप विथ हैविंग लॉन्ग बियर्ड लॉन्ग हेयर विच वॉज वेरी मच सूटेबल फॉर मी. उसका फोटो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और वीडियोज में आपको बीच बीच में मेरे बहुत सारे फोटोज देखने को मिल जाएंगे जहां पे मेरे प्रीवियस जो कॉलेजेस के जो फोटोज थे उसमें मैं कितना फिट था, हाउ वाज आई वाज लुकिंग, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर क्या था, मैं कैसा था, मैं कैसे राइड करता था, तो उसके वीडियोस भी आप देख सकते होंगे. बाकी ये सारी चीजें हुई एंड आई वाज एंड अप विथ राइट नाउ एंड अप विथ अ वेरी बैड स्टेज एंड राइट नाउ आई थॉट कि अब मैं वापिस जो मेरा करियर जहां से मेरा लाइक बैड होना लाइक इन द मंथ ऑफ मार्च मेरा जो खराब शेड्यूल हो गया था उसको अभी एक शेड्यूल मेरे को वापिस से सेट करना है, मुझे अपना वेट वापिस से कम करना है. तो आई थॉट व्हाई शुडंट आई मेक अ वीडियो. इसका भी एक स्ट्रांग रीजन बताता हूं, अगर ये आपको वैलिड नहीं लगे तो आप अपनी लाइफ में अप्लाई मत करें, बट मैं अप्लाई करता हूं जस्ट बिकॉज ऑफ आई बिलीव इन दैट थिंग. सो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कुछ चीज करना चाहते हो तो उसके पहले उसको ढंडोरा पीट दो, अगर उसका ढंडोरा नहीं पीटोगे तो आप वो चीज लाइफ में कभी नहीं कर पाओगे, अपने तक रखोगे तो, या फिर अपने एक विश लिस्ट बना दी उसमें कदर को कभी ट्रू नहीं होता. मेरे हिसाब से दूसरों के होते आई डोंट नो, बट मैं अभी से ऐसा सोच रहा हूं फ्रॉम 82 to 83 जो मेरा वेट है उससे मैं कम कम करके एटलीस्ट मैं इतना फिट हो जाऊं कि मैं वापिस अच्छे से राइड कर पाऊं, मेरी सांस ना फूले, मेरे को वापिस एक ब्रेक ना लेना पड़े एंड दैट ऑल थिंग्स. सो यही चीज के बारे में आप लोगों से बात करनी थी एंड ये बात अचानक से बीच में कहाँ आई. तो यू ऑल नो कि मैंने एक दो वीडियो पहले आप लोगों को एक एक्सीडेंट के बारे में बताया था एंड उसके बाद ही आई थॉट कि इस चीज के ऊपर मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए एंड मुझे वापिस से एक ऐसा स्टेबल स्टेज चाहिए मेरी लाइफ में कि आई कैन डू वट एवर आई वॉन्टेड टू डू. सो दो तीन रीजन है इसके कि मैं फिटनेस के पीछे क्यों पड़ा हूं. सो आप लोगों को मैं बता दूं फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू फिटनेस इज द की टू सक्सेस. सो अगर मैं फिट हूं देन आई कैन बी सक्सीड, इफ आई हैव नॉलेज देन आई कैन सक्सीड, बट फिटनेस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि फिटनेस है तो आप लॉन्ग टाइम तक आप जी सकते हो, आपकी लाइफ अच्छी रहेगी, आपका एक शेड्यूल रहेगा, वो सारी चीजें रहेगी. जो अनफिट लाइक जिनका पेट होता है चर्बी होती है वो लोग भी अच्छा खासा कर लेते हैं बट दे आर फ्रॉम द बोन स्टेज और एक टाइम के बाद उनका स्पेसिफिक बहुत ज्यादा वेट बढ़ा है तभी वो केयर कर सकते हैं, मेरे जैसे नहीं कर सकते जिसका वेट धीरे धीरे गेन हो रहा हो या फिर ऐसी चीज की वजह से गेन हुआ हो जिसकी वजह से उसको सिर्फ बेड पे लेटे रहना था उसी चीज की वजह से. सो आप लोगों के साथ यही शेयर करना था कि अब से जो अपने वीडियोज रहेंगे वो दो या तीन कैटेगरीज में ही रहेंगे, जो फर्स्ट विल बी लाइक फिटनेस, सेकेंड थिंग विल बी राइडिंग एंड थर्ड थिंग विल बी दिन माई लाइफ स्टाइल. कि ये तीन चीजें मैं कैसे करता हूँ कैसे नहीं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा. एंड आज 30th है, ये वाला जो ब्लॉग देखोगे 31 को देखोगे एंड मैं कल जो 31st को जो मैं ब्लॉग शूट करूँ वो बहुत ही क्रेजी है, अगर मेरे से हो पाया तो मैं करूंगा क्योंकि कल मेरा वर्किंग है तो आई डोंट नो मैं कैसे करूंगा, इफ आई विल बी एबल टू मैनेज देन मैं करूंगा वरना मैं नहीं करूंगा. सो मेरा प्लान ऐसा है कि 30 days में मैं 30 short वीडियोज डालूंगा एंड अगर मेरे से हो पाया तो मैं 30 days में 30 long फॉर्मेट भी डालूंगा, एक भी दिन बीच में गैप नहीं लूंगा ऐसा मैं सोच रहा हूं. बाकी देखते हैं ऊपर वाले की क्या मर्जी है. एंड अभी जो वीडियोज तीन कैटेगरीज में रहने वाले मैंने आप लोगों को बता दी है, लाइक रेगुलरली सिर्फ राइडिंग 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 नहीं रहेगा क्योंकि लोग भी पक जाएंगे क्योंकि मैं इतना बड़ा राइडर नहीं हूँ मैं सब लोगों को ज्ञान बांटता फिरूं, बट यस मेरे पास जितनी भी नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एंड बाकी जो सारी चीजें रहेगी वो कुछ मेरे प्रोफेशनल फ्रेंड्स है उससे भी मैं लाइक उनके थ्रू भी मैं जो कुछ भी हो पाएगा उतना मैं करूंगा, उन लोगों से भी कंसल्ट करूंगा क्योंकि वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ गुड फिटनेस एंथुजियास्ट पर्सन, अनदर पर्सन इज लाइक वो डाइटिशियन है, वन इज लाइक उसका लाइफस्टाइल अच्छा है वो मेंटेन करता है, तो मैं उससे भी थोड़ी बहुत टिप्स लूंगा और वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. बाकी
आज का जो वीडियो था वो इसी रीजन की वजह से मैंने बनाया है। एंड बाकी आज का जो व्लॉग है वो अपने यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, राइड सेफ, सेव एवरीवन इन द नेक्स्ट व्लॉग। साइनिंग ऑफ दिशांत। और आप लोगों को बीच में या लास्ट में भी फोटोज मेरे दिख जाएंगे कि मैं पहले कैसा था अभी मैं कैसा हूँ। सो प्लीज गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एंड आप लोगों को मिलूंगा मैं नेक्स्ट व्लॉग में। और बी फिट, ये मेरा आपसे नया रहेगा, बी फिट। लाइक मैंने अभी तो कुछ बनाया नहीं स्पेसिफिक, बिकॉज बी फिट जो है अपने लाइक एंड व्लॉग में, लाइक जो एंड पार्ट रहता है उसमें एड हो जाएगा। तो आप लोगों को मिलूंगा मैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।